तक 26 किताबें लिखी। स्वर्गीय डॉक्टर एमपी शर्मा, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम क्या हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्या दे पा रहे हैं। वो जो थे उन्होंने अपने तीनों बेटों को बना दिया, उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलोसफी से उन्हें नवाजा गया, तो उन्होंने अपने तीनों बच्चों को इसी लाइन में डाला। और मुझे फख्र है इस बात का, मेरे बड़े ब्रदर यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर राजेश अनुपम, वो पीजी कॉलेज प्रिंसिपल हैं आज। मेरा छोटा ब्रदर डॉक्टर संजय आपके जयपुर जेसीआरसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इन हेड है केमिस्ट्री में। मैं आपके सामने सन साहित्य पे पीएचडी 92 में सबमिट करके आप लोगों के बीच समाज सेवा के बीच में हूँ। ये तीनों ही वो बेटा 4 रुपए किलो की रद्दी में उसके साहित्य को बेच देता है। ये दुखद घड़ी है। वो व्यक्ति जो परिवार का मुखिया है, वो व्यक्ति जिसने आलीशान करोड़ों की सल्तनत खड़ी की है, जिसने अपने लिए सबसे पहले लाखों रुपए लगा करके एक बेडरूम बनाया, धीरे धीरे बेडरूम से वो बरामदे का हिस्सा हो गया, और बरामदे में भी यदि उसकी जगह नहीं मिली तो उसे लेकर ओल्ड एज हाउस में ले जाके छोड़ दिया, उनकी अलमारियों को खाली होने का, और उन्हीं के सामने एक रद्दी कबाड़ी वाले को बुलाकर उसकी बेस कीमती साहित्य को 4 रुपए किलो की रद्दी में भेज दिया। राइटर की स्थिति क्या है? एक गांधी छाप थैला लगा करके जब वो सड़क पर गुजरता है उसे पब्लिक पहचानने से इनकार करती है। वजह साफ है, मंचों पे केवल पॉलिटिशियन होता है, मंचों पे राइटर नहीं होता, डॉक्टर नहीं होता, एजुकेशनिस्ट नहीं होता, एडवोकेट नहीं होता, सीए नहीं होता, और जब जब भी ये लोग नहीं होंगे तब तक इन लोगों को पब्लिक में इसी तरह से नकारा जाता रहेगा। इसलिए आज जो शख्सियत यहाँ पर सम्मानित होने जा रही है उनका मैं नाम लूँ, उससे पहले मैं बता दूँ 25 अगस्त 1928 जयपुर में जन्मे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने एमए पीएचडी किया, उन्होंने संपादन दिया, 8 पुस्तकों में उन्होंने संयुक्त लेखन किया, और इतना ही नहीं वो एक ऐसी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो प्राकृत अपभ्रंश भाषा के रूप में भारत में प्रथम है, भारत में प्रथम है कला पत्राचार्य के माध्यम से जो कोटा यूनिवर्सिटी में जो पाठ्यक्रम चलाया जाता है। अपभ्रंश साहित्य अकेडमी हिंदुस्तान की वर्ल्ड में नंबर 1 है, और अपभ्रंश भारतीय जर्नल दुनिया भर में अपना स्थान रखता है, वहां भी नंबर 1 है। और वो शख्सियत कोई और नहीं, हमारे बीच मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर कमल चंद सोगानी। प्रोफेसर डॉक्टर कमल, इस बात का भी हमें ख्याल रखना होगा, ये है हमारा आज का राइटर अवार्ड। और इसके लिए हमको प्राकृत भाषा अपभ्रंश भाषा का अध्ययन बहुत जरूरी है। भारत से ये दोनों भाषाएं लुप्त हो रही हैं, उनको बचाने का संकल्प हमने किया, और अपभ्रंश साहित्य अकादमी की स्थापना दिगंबर जैन अतिथल श्री की महावीर जी ने की, इसके लिए हम गौरवान्वित हैं, और इसी कार्य को हम जीवन में कर रहे हैं। 30 साल हो गए 40 साल हो गए मुझको ये काम करते हुए, और मुझे आशा है कि यह काम आगे बढ़ेगा, और राकेश जी ने जो हमको सम्मान दिया इसके लिए मैं आभारी हूँ।